हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और हमें सर्दियों में गर्मा गर्म सूप बहुत ही अच्छा लगता है, तो 5 मिनट में बनकर ये रेडी हो जाता है नौर का मनचाओ सूप, और वो भी हमें परफेक्ट थिकनेस के साथ इसे बनाना है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। तो पहले हम गैस पर एक पतीला रख देंगे। पतीले में हम 150 ml पानी डालेंगे, यानी कि पौना ग्लास। तो ये मेरे पास नौर का 10 रुपीज़ वाला कप और सूप पैक है। ये मनचाओ वेज वाला फ्लेवर है। इसमें और भी कई सारे वेरिएंट्स आते हैं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसे बनाने की मेथड थोड़ी सी अलग सी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे कैसे बनाना है, लेकिन मैं इसे अलग तरीके से बनाऊंगी। इसे यूजुअली कैसे बनाते हैं कि हमें एक कप में इस सैचे को डाल देना है, फिर 150 ml हॉट वाटर डालना है, फिर इसे मिक्स करके 1 मिनट के बाद सर्व करेंगे। तो मैंने इस मेथड को एक बार ट्राई करके देखा था, लेकिन सूप इतना कुछ खास नहीं बना था। तो इसे हम एक और टेक्निक से, एक और मेथड से बनाएंगे, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी भी बन जाता है, थिक बन जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। इस अलग से मेथड से आप होटल स्टाइल मनचाओ वेज सूप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मनचाओ सूप का पूरा पैकेट इस पानी में डाल दिया है। हमें इसे लम्स में बना लेना है। तो आप चाहे तो पहले इसे एक बोल में लेकर थोड़ा सा पानी ऐड कर आप इसे एक लम्स फ्री बैटर बना सकते हैं, और फिर बाद में पतीले में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें एक एक गुठलियाँ जो बनती है उसे तोड़ लेना है, बिल्कुल लम्स फ्री बनाएंगे। तो इसे परफेक्ट थिकनेस देने के लिए हमें ना कॉर्नफ्लावर की ज़रूरत है ना किसी और की। तो जैसे जैसे ये सूप गर्म होता जाएगा, मतलब कि कुक होता जाएगा, वैसे ये गाढ़ा बनता जाएगा, और कलर भी आप देख सकते हैं गहरा कलर बन गया है। बस इस टेक्निक से आप इसे ज़रूर बना कर देखिएगा। और अभी आप इसमें अपने फेवरेट वेजेस भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़े से कैरेट्स फाइनली चॉप किए हुए और स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है वो डाला है। तो इसमें आप अपने फेवरेट वेजेस डाल सकते हैं, और बस हमें इसे 1 मिनट के लिए और पका लेना है। तो इस तरह से ये हमारा सूप बनकर रेडी हो जाता है, आप देख सकते हैं। एक बॉईल आने देंगे और फिर गैस को बंद करेंगे। यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा पानी ऐड मत करिएगा, नहीं तो ये पतला वाला सूप बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट होटल स्टाइल वेज मनचाओ सूप तैयार हो चुका है। तो देखा ना आपने, इसे बनाना कितना आसान है, ये इंस्टेंटली बन जाता है। बस 10 रुपये में आप इसे बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर बनाकर देखिएगा, बिल्कुल होटल स्टाइल लगेगा। और अगर आपके पास वो ड्राई नूडल्स है तो वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं डाले हैं। सूप पीने के वक्त थोड़ा सा क्रंची लगेगा तो वो अच्छा लगता है। तो ट्रस्ट में इसकी टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, और इसी टेक्निक से आप इसे बनाकर देखिएगा, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा।